नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है। वहीं सदन में आपदा को लेकर सियासत जारी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम पर सीएम सुक्खू बरसे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आपदा में सेंक रहे राजनीतिक रोटियां। वहीं जयराम ठाकुर का पलटवार भी देखा गया। जयराम ठाकुर कहते हुए नजर आए कि आपदा पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। केंद्र की मदद का उन्होंने धन्यवाद नहीं किया। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। विधानसभा सत्र के चौथे दिन, आपको बता दें आज हिमाचल विधानसभा सत्र का चौथा दिन, सदन में आपदा को लेकर सियासत जारी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम पर जमकर बरसे हैं सीएम सुखविंदर सुक्खू। उन्होंने कहा कि आपदा में राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वहीं जयराम ठाकुर भी पलटवार करते हुए नजर आए। जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र की मदद का धन्यवाद तक नहीं किया गया। देश के लोगों के ऊपर आई है और इसको ये सारे का सारा कि केंद्र के ऊपर डाल करके केंद्र ने मदद नहीं की, केंद्र मदद नहीं कर रहा है, इस तरह का पूरा एक रूप देने की कोशिश कर रही है ताकि लोकसभा के चुनाव में लोगों के बीच में जा करके बात इस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से कर सकें और जिसमें उनको राजनीतिक लाभ मिल सके। ये राजनीतिक लाभ लेने की तलाश में है और एक कोने से दूसरे कोने तक एक एक विधायक केंद्र सरकार के खिलाफत में बोलता रहा। लोकतंत्र है, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं करनी है, अपने अपना पक्ष अपनी बात रखने का अधिकार है और सहजता से सरलता से बात यह होनी चाहिए थी, आपदा है, केंद्र मदद करे, थोड़ी मदद मिली है तो और ज्यादा मदद करे, ये बातें अगर कही होती तो अच्छा रहता। आप पूरा रिकॉर्ड अगर चेक करेंगे, जितने भी विधायक सत्ता पक्ष की ओर से बोले, मंत्री जितने भी सत्ता पक्ष की ओर से बोले, उन सब ने केंद्र सरकार के हमारे नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी और दूसरे हमारे नेतृत्व के पक्ष में नहीं बोला, उनके खिलाफ ही बोलते रहे। से संबंधित हमने एक प्रस्ताव लाया, संकल्प लाया और जिसमें भारतीय जनता पार्टी से हमने ये मांग की कि आप इस पर अपनी राय व्यक्त करिए और जो प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित, जो आपदा आई है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए और स्पेशल रिलीफ पैकेज 12,000 करोड़ रुपये के रूप में। आज का दिन हिमाचल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिखा गया काला दिन है। हिमाचल के लोगों पर आपदा आई, हमारी कांग्रेस की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी उसमें भी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। पहले कहा कि विधानसभा का सेशन बनाना चाहिए, हमने विधानसभा का सेशन बनाया और आपदा पर वो काम रोको प्रस्ताव लेकर आए। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ बने हुए। रॉबिन, आपसे जानना चाहूंगा आपदा को लेकर ये जो राजनीति की जा रही है विधानसभा सत्र के दौरान, इसको लेकर क्या कुछ कहना है सरकार का और साथ ही विपक्ष की ओर से क्या कुछ बातें कही जा रही? जी बिल्कुल, पिछले 3 दिन, आज विधानसभा सत्र का चौथा दिन है और 3 दिनों तक लगातार सदन के अंदर आपदा के विषय को लेकर चर्चा होती रही। कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन जो समय सीमा है सदन कार्यवाही की वो नहीं बढ़ाई गई, लगातार कार्यवाही जो है बढ़ती रही और पक्ष हो या विपक्ष के विधायक हो सभी ने इसको लेकर अपनी बात जो है सदन के अंदर रखी। और कल जब जो प्रदेश सरकार को लेकर संकल्प पत्र सदन के अंदर लेके आई थी, जब वो पास हुआ तो जहां विपक्ष की ओर से जब मौन इसको पास करने के लिए रहा, तो इसके बाद प्रदेश सरकार के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कहीं ना कहीं नारेबाजी करते हुए नजर आए विपक्ष के खिलाफ। तो इसी तरह का जो माहौल है, गर्म लोग झोंक से भरा हुआ माहौल, ये पूरे सत्र के दौरान, अभी 3 दिनों के सत्र के दौरान बना रहा सदन के अंदर आपदा के विषय को लेकर। ना केवल सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी चर्चाएं जारी रही और पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर रहे। जहां सुक्खू सरकार लगातार ये बात कह रही है कि
प्रदेश में भाजपा जो है वो सहयोग नहीं कर रही है, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है। सुक्कू लगातार सीएम सुक्कू लगातार बात कहते रहे हैं कि एक संघ ढांचे के अंदर जो है सरकार काम कर रही है, लिहाजा भाजपा को इस मामले में प्रदेश सरकार का सहयोग करते हुए केंद्र से मदद लाने और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन ये इसको कहीं ना कहीं जो है पीछे करती हुई नजर आ रही है भाजपा सरकार। और कल तो मुख्यमंत्री ने भाजपा के से काला दिन भी लिख देने की बात कही थी। और इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, आपको बता दें बड़ी खबर सामने आ रही है, हिमाचल राष्ट्रीय आपदा राज्य घोषित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा राज्य के तौर पर हिमाचल को घोषित कर दिया गया है। वहीं केंद्र से 12,000 करोड़ के राहत पैकेज की इस दौरान मांग की जा रही। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे, केंद्र से 12,000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की जा रही, हिमाचल राष्ट्रीय आपदा राज्य घोषित कर दिया गया है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा का रुख करते हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहूंगा कि यहां पर हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा राज्य घोषित कर दिया गया है, इसी बीच 12,000 करोड़ के राहत पैकेज की भी मांग की जा रही है, क्या कुछ अपडेट फिलहाल सामने? बिल्कुल, इसी को लेकर हम बात कर रहे हैं कि कल जो विधानसभा में बिल पास हुआ है जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रदेश घोषित करने की प्रस्ताव रखा गया था विधानसभा में, और साथ ही 12,000 करोड़ रुपए का जो है स्पेशल पैकेज की मांग की गई है केंद्र की ओर से। इसी को लेकर कल पिछले तीन दिनों से लगातार प्रदेश के विधानसभा के अंदर चर्चा जारी थी, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर यह आरोप लगा रहा था कि केंद्र से मदद मिल रही है, लेकिन जो सरकार है, प्रदेश सरकार है, वो केंद्र का धन्यवाद नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ राहत पैकेज या राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के पीछे पड़ी है। लेकिन दूसरी ओर सत्ता पक्ष लगातार ये बात कह रहा था कि प्रदेश को कोई भी ऐसी मदद जो स्पेसिफिकली आपदा के लिए मिली हो, इस तरह की कोई मदद नहीं मिली है। तो इसी को लेकर कल ये बिल पास हुआ, जरा शोर शराबे से ये बिल पास हुआ, और मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू ने इसके बाद ही प्रदेश की जो विपक्ष है, भाजपा है, उसको कहीं ना कहीं घेरे में लिया था और कहा था कि अगर आप इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं तो ये प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है। जी, साथ ही रॉबिन आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि इसी बीच अब विधानसभा सत्र का चौथा दिन है, इस दौरान क्या कुछ आसार हैं, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है, क्या कुछ अपडेट आज को लेकर रह सकती है? जी बिल्कुल, आज विधानसभा का चौथा दिन है और मॉनसून सत्र ये चला है प्रदेश विधानसभा शिमला में, और इसके अलावा आज जो है प्राइवेट मेंबर्स डे दिन है, और ऐसे में जो तमाम सरकार से इतर जो लोग हैं वो भी अपनी जो है विधेयक या जो प्रस्ताव है वो विधानसभा में पेश करेंगे। आज अगर देखा जाए तो जो लिस्ट ऑफ बिजनेस है उसके मुताबिक आज प्रश्नकाल के साथ ही जो है विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। इसके बाद सरकार की ओर से चार विधेयक जो है वो पेश किए जाएंगे, जिसमें तीन मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू करेंगे तो एक बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी करने वाले हैं। इसके अलावा दो संशोधन विधेयकों पर आज विधानसभा में चर्चा होनी है। इसके अलावा तीन प्राइवेट मेंबर्स भी है जिसमें भवानी सिंह पठानिया, जीतराम कटवाल जो है वो संशोधन जो प्रस्ताव पेश करेंगे। इसके अलावा केवल सिंह जो जीतराम कटवाल और मैंने आपको बताया कि भवानी सिंह पठानिया है वो दो बिल पेश करेंगे, और इसके अलावा अब देखना ये होगा कि प्रश्नकाल के साथ विपक्ष कौन सा रुख अख्तियार करता है, क्योंकि निश्चित तौर पर गहमा गहमी आज भी सदन के अंदर बने रहने की संभावना हो सकती है, क्योंकि विपक्ष किसी ना किसी मुद्दे पर सरकार को फिर घेरने का प्रयास करेगा। अब देखना होगा कि विपक्ष कौन सी रणनीति अख्तियार करता है और प्रश्नकाल के बाद विधानसभा सत्र के चौथे दिन की स्थिति और दिशा किस ओर मुड़ती है। हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा राज्य घोषित करने को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इसी बीच रॉबिन आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि फिलहाल जो ये आपदा को लेकर राजनीति की जा रही है, इसको लेकर जो संसद में बाकी कार्य हैं वो किस तरीके से सदन में बाधित हो रहे हैं, क्योंकि सदन में लगातार इस तरीके की राजनीति को लेकर जो बाकी काम है वो भी बाधित होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए पहले दिन से लगातार इसको लेकर चर्चा हो रही है। पहले दिन भी जो विपक्ष है उसकी ओर से नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव यानी कानून के प्रस्ताव के जरिए इस पर आपदा पर चर्चा की मांग की गई थी। उसके बाद से लगातार निरंतर इसको लेकर बहस बनती रही। पिछले दो दिन प्रश्नकाल चला, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें तो जो पिछले कल के से यानी कि दूसरे दिन के जो सत्र है उसमें सिर्फ दो या तीन सवाल लिए गए,
क्योंकि एक 40 मिनट के आसपास सिर्फ आपदा और पिछले मुद्दों को लेकर ही चर्चा होती रही। निश्चित तौर पर पिछले कल भी लगातार 3 दिनों में समय बढ़ा बढ़ाकर आपदा पर चर्चा हुई है। ऐसे में प्रश्नकाल है वो भी घटे हैं, उसमें भी कम प्रश्न इस बार जो है सदन के अंदर उठे हैं, उन पर चर्चा हुई है। हालांकि सदन प्रश्नकाल के दौरान भी कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिन पर बहस जो है हमेशा बढ़ी है, बात चाहे संस्थानों को बंद करने की हो या इसके अलावा जिस तरह से ऊर्जा नीति में बदलाव की बात सरकार कर रही है उसको लेकर चर्चा हुई हो। तो ये कुछ ऐसे गंभीर मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर लगातार विपक्ष और पक्ष आपस में तनातनी यहाँ पर देखने को मिली है। और इसके चलते जो प्रश्न है, जो जनता से जुड़े सवाल है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर अभी अगर जैसी स्थिति बनी हुई है, पहले ही भाजपा 25 तारीख को विधानसभा का घेराव करने की बात कह चुकी है, लिहाजा राजनीति पूरे सत्र के दौरान गर्म रहने की उम्मीद है। ऐसे में विपक्ष लगातार मेरे को लगता है कि हमलावर रहेगा सरकार के ऊपर, और ऐसे में कहीं जनता के जो मुद्दे हैं वो न कहीं पीछे छूट जाए, इसकी एक बड़ी संभावना बन रही है। जी, हिमाचल विधानसभा सत्र का चौथा दिन है। रॉबिन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, हिमाचल को आपदा राज्य घोषित करने को लेकर यहां पर प्रस्ताव विधानसभा में पारित कर दिया गया है, जो कि अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। तो रॉबिन, यहां पर केंद्र सरकार को ये जो प्रस्ताव भेजा जाएगा, इस पर केंद्र सरकार का क्या कुछ टेक रह सकता है, क्योंकि लगातार तो राजनीति करते हुए यहां पर सरकार यही कहती हुई नजर आई कि केंद्र सरकार की ओर से मदद नहीं की जा रही। जी बिल्कुल, देखिए सदन के अंदर हो नेता विपक्ष लगातार इस बात को लेकर कहते आए हैं कि राष्ट्रीय आपदा जैसा घोषित करने जैसा कोई प्रावधान नहीं है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल आए थे, तो उस समय भी जब पत्रकारों ने या हमने उनसे सवाल पूछा था कि क्या राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाएगी, तो इसको लेकर भी उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय आपदा घोषित न करने का उन पर कोई साफ नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो केंद्र है वो हम सब मोह मदद जो है देगा प्रदेश सरकार को। पर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर जिस तरह से जो आपदा प्रदेश घोषित करने को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने मांग की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पहले से ही एक अलग अलग है, अलग सेक्टर में है या अलग उससे विचार रखती है, यहाँ पर इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि हिमाचल के सांसद और केंद्र में सूचना प्रसारण मंत्री जो अनुराग ठाकुर है वो भी कह चुके हैं कि प्रियंका गांधी जब यहाँ पर आई थी उन्होंने उस पर भी हमला किया था कि जब वे आई थी तो उनको समझ होनी चाहिए कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रावधान उन्हीं की सरकार ने कुछ खत्म कर दिया था। तो इस तरह की बात जो अनुराग ठाकुर है उनकी तरफ से भी सामने आई थी। तो निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय आपदा घोषित प्रदेश घोषित करने की जो मांग हो रही है उसको लेकर बीजेपी एक अलग घेरे में है, वो इससे इधर सोच रहे हैं। लेकिन मुद्दा, मेन मसला ये है कि क्या अब प्रदेश को जितनी 12,000 करोड़ की जो राशि मांगी गई है प्रदेश सरकार की ओर से वो मिलती है या नहीं। यहाँ दूसरी ओर पहले ही जो केंद्र सरकार है या फिर केंद्र से जुड़े हुए मंत्री हैं जो हिमाचल से संबंध रखते हैं या फिर विपक्ष के जो लोग हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं। हिमाचल विधानसभा सत्र का चौथा दिन है, इस दौरान फिर हंगामे के आसार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। मंडी जिला के बाली चौक उपमंडल के तहत आने वाले कुकलाह गांव के प्रभावितों की तरह ही खोला नाला पंचायत के गौणी गांव के प्रभावित भी फौरी राहत के लिए तरस गए हैं। इन प्रभावितों का आरोप है कि इन्हें एक महीना बीतने जा रहा है लेकिन अभी तक इन्हें फौरी राहत नहीं मिल पाई है। प्रभावितों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। प्रभावित फौरी राहत के लिए लोग तरस गए। 11 प्रभावित परिवारों को अभी तक राहत नहीं मिल पाई है। वहीं आपको बता दें, प्रभावित लगातार सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए नजर आए। आपको बता दें, प्रभावित फौरी राहत के लिए तरस गए हैं। खबर मंडी से सामने, जहां पर 11 प्रभावित परिवारों को अभी तक राहत नहीं मिल पाई है। लोग राहत के लिए सरकार से न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आए हैं। वहीं प्रभावित लोग फौरी राहत के लिए तरस गए। इस दौरान प्रभावित सरकार से मदद की गुहार की मांग कर रहे हैं। 11 प्रभावित परिवारों को अभी तक फौरी राहत नहीं मिल पाई है। प्रभावित परिवारों को अभी तक राहत राशि नहीं मिली है। फौरी राहत के लिए
प्रभावित लगातार सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रभावित फौरी राहत के लिए लोग तरस गए हैं। नाहन के ददा सिविल अस्पताल में इलाज करवाने पहुंचे विकलांग व्यक्ति की ओर से डॉक्टर पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित देवराज ने बताया कि मामला 3 सितंबर की रात का है। अचानक उनके पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद सिविल अस्पताल पहुंचे, लेकिन कोई भी डॉक्टर और स्टाफ वहां मौजूद नहीं था। जिसके बाद बोलने पर जहां डॉक्टर्स पर कहासुनी करने का इल्जाम लगाया, साथ ही डॉक्टर ने इलाज करने के बजाय पुलिस को बुलाया। वहीं पीड़ित ने बताया कि जिसके बाद दूसरी जगह इलाज करवाना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में जुलाई महीने में आई भारी बारिश से हुए नुकसान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर सीपीआईएम ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही मांग करते हुए कहा कि आपदा में प्रभावित हुए लोगों को घर के बदले घर और जमीन के बदले जमीन मुहैया करवाई जाए। इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीपीआईएम की केंद्र सरकार से मांग की गई। यहां पर सीपीआईएम ने केंद्र सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी जाए, वहीं केंद्र हिमाचल को आर्थिक पैकेज दे, वहीं वन अधिकार कानून में संशोधन की भी इस दौरान मांग की गई। साथ ही सीपीआईएम ने केंद्र सरकार को इस दौरान ज्ञापन भेजा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीपीआईएम ने केंद्र सरकार से मांग की है। सीपीआईएम की ओर से मांग रखी गई कि हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए, वहीं केंद्र हिमाचल को आर्थिक पैकेज दे, वहीं वन अधिकार कानून में भी इस दौरान संशोधन की मांग की गई है। वहीं सीपीआईएम ने केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा है। से हिमाचल प्रदेश के अंदर हम हर सब रीजन लेवल पर एक मांग पत्र जो है भारत सरकार को दे रहे हैं, जिसमें कि हिमाचल के अंदर जो पिछले जून जुलाई से लेकर अगस्त में एक भारी बारिश के कारण हिमाचल में एक बहुत बड़ी आपदा जो हिमाचल ने फेस की है, उसमें हमारा पार्टी का मानना है कि इसको जो केंद्र की सरकार है वो इसमें हिमाचल के साथ भेदभाव कर रही है और इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर रही है। और हमारा मांग है पार्टी के कि इस जो बारिश से नुकसान लोगों का हुआ है, उस नुकसान को उस रूप में वो किया जाए, इसमें राष्ट्रीय आपदा सबसे पहले केंद्र सरकार इसको घोषित करे। विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक और आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले से भरा रहा। सदन के अंदर एक बार फिर लंबित पड़ी भर्तियों के मामलों पर बहस छिड़ी तो ऊर्जा नीति को लेकर भी जमकर वाद विवाद हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों पर इंक्वायरी नहीं चल रही उन पर भर्तियां चल रही हैं और 3 महीने के अंदर बाकी बचे पोस्ट कार्ड पर भी भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ऊर्जा नीति को लेकर भी पूर्व सरकार पर हमला किया। सीएम सुक्खू ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर प्रदेश के हितों को बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि सुन्नी लूरी जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट से सरकार ने प्रदेश के हित की 12% रॉयल्टी नहीं ली। सदन में सीएम और नेता प्रतिपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिली। आपको बता दें एसजेवीएनएल को एग्रीमेंट करने पर नोटिस इस दौरान भेजे गए हैं, साथ ही पोस्ट कार्ड पर भी भर्तियां की जाएंगी। यहां पर सीएम सुक्खू ने यह कहा कि 3 महीने में भर्तियां करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए नई कार्यकारिणी का गठन कर रही है। इसी कड़ी में सोलन में भी भाजपा के नए जिला और मंडल अध्यक्ष के बाद भाजयुमो के नेता अध्यक्ष को के जिला अध्यक्ष को चुना गया है, जिसमें भूपेंद्र ठाकुर को भाजयुमो सोलन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं नरेंद्र ठाकुर को प्रदेश सचिव की कमान सौंपी गई है। अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझ पर पुनः विश्वास जताया है
और प्रदेश की टीम में मुझे सचिव बनाया है। इसके लिए मैं अपने शीर्ष भाजपा के सभी नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूँ। अब युवा आया है और युवाओं में जोश भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से युवा 2024 की चुनाव के लिए तैयारी में लगा है। अभी आने वाले 25 तारीख को शिमला में घेराव कर रहे हैं हम पूरी कांग्रेस सरकार का। सोलन जिला से, पूरे प्रदेश से लगभग, आप सोलन जिला की बात करूं तो 500 युवा उस घेराव में शामिल होने वाले हैं। जो आज युवा शक्ति मेरे साथ खड़ी है वही मेरी आवाज है और आने वाले इलेक्शनों में भी यही मेरे साथ हैं। सोलन में मिशन इंद्रधनुष का दूसरा चरण पूरा हो गया। प्रदेश भर में यह टीकाकरण अभियान 11 सितंबर से 16 सितंबर तक चला, जिसके तहत 5 साल तक छोटे बच्चे का टीकाकरण किया गया। अगर बात करें तो सोलन में इस अभियान के तहत 563 गर्भवती महिलाओं को 1500, 1 साल से छोटे बच्चे और 400 वैक्सीन 1 साल से बड़े बच्चों को लगाई गई। इस अभियान के दूसरे चरण का समापन 16 सितंबर को हो गया है, जिसमें कुल 2463 वैक्सीन लगाई गई थी। उनका कहना है कि इस अभियान के तीसरे चरण का आरंभ 9 अक्टूबर से होगा। हमारा दूसरा चरण था इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का, वो उसमें लगभग आके 563 गर्भवती माताओं का टीकाकरण हुआ है। 1500 के तकरीबन जो है हमारे 1 साल से छोटे बच्चों का हुआ है और 400 के आसपास जो है 1 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनका टीकाकरण 5 साल तक जो है उनका हुआ है अभी। और इसका जो दूसरा अंतिम चरण है वो 7 से 14 अक्टूबर तक रहेगा, तो उसमें जो बच्चे होंगे फिर उसमें जो बचे हुए बच्चे हैं उस पर कवर होंगे। इनके कवरेज के बाद जो हमारे रूटीन सेशन है वो तो जैसे चलते हैं वैसे ही स्वतः चलते रहेंगे। गोविंद सागर एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के मंडी भराड़ी फोरलेन पुल के पास स्थित कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव मुख्य संरक्षक ओंकार शर्मा ने शिरकत की। हिमाचली परंपरा के अनुसार हिमाचली कुलवी टोपी और शॉल देकर हिमाचल प्रदेश के प्रधान सचिव IAS ओंकार शर्मा को सम्मानित किया गया। गोविंद सागर जो है एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स जो एसोसिएशन है आप लोगों की शुभकामनाएं आप लोगों ने बनाई है, मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वाटर स्पोर्ट्स को जिस तरह से आप लोगों ने पहले काम किया है उससे भी आगे बढ़ चढ़ करके आगे इसको बढ़ाए, ताकि जो युवा है एक तो वो जो है नशे की। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।